एक वर्ष लुकमान के मालिक ने उसको किसी खेत में जौ बोने के लिए कहा। लुकमान ने जौ बोने की जगह चना बो दिया। जब लुकमान का मालिक खेत देखने को गया और हरा भरा चना देखा तो लुकमान से पूछा कि मैंने तो तुझको इस खेत में जौ बोने के लिए कहा था, तूने चना किस लिए बो दिया? लुकमान ने जवाब दिया कि मैंने चना इस भरोसे पर बोया है कि जौ पैदा हो। लुकमान ने कहा कि तू कैसी मोटी समझ का आदमी है, कहीं आज तक दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि चना बोए और जौ पैदा हो? लुकमान ने कहा कि आप हमेशा दुनिया में खेत में पाप की बीज बोते हैं और चाहते हैं कि इसका अच्छा फल मिले, इसलिए मैंने भी अपने दिल में सोचा कि अगर चना बोऊंगा तो जौ पैदा होंगे। मालिक यह बात सुनकर बहुत खिसियाना हुआ। तीन आदमियों ने एक ही तरह का कसूर किया था, मगर जिस राजा के राज में वे रहते थे उसने उनको तीन तरह की सजा दी। एक को खाली समझा बुझाकर छोड़ दिया, दूसरे को बहुत बुरा भला कहा और तीसरे को गधे की सवारी का हुक्म दिया। मंत्री ने राजा से पूछा कि कसूर तो तीनों ने एक किया है, फिर आपने तीनों को तीन तरह की सजा क्यों दी? राजा ने कहा कि इस बात का हाल तुमको अभी मालूम हो जाएगा। तीनों आदमियों की खबर मंगवाओ कि वे क्या कर रहे हैं। मंत्री ने पता किया तो मालूम हुआ कि जिसको समझा बुझाकर छोड़ दिया था वह तो मारे शर्म के जहर खाकर मर गया है, जिसको बुरा भला कहा था वह घर बार छोड़कर दूसरे शहर को चला गया है और जिसको गधे की सवारी का हुक्म दिया था वह शराब पीकर जुआ खेल रहा था। तब राजा ने वजीर से कहा कि भले आदमी और कमीने आदमी की सजा के फर्क होना चाहिए।
भले के लिए बात बहुत है और कमीने को गधे की सवारी से भी शर्म नहीं आती। स्टॉप।